वन मंत्री राकेश पठानिया ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में 1.66 करोड़ से अधिक के शिलान्यास किए। पठानिया ने उम्मीद जताते हुए कहा कि वे इन कार्यों को एक साल के भीतर पूरा करने की उम्मीद रखते हैं और वे ही इसे जनता को समर्पित करेंगे। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए प्रदेश में 9 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन 2 साइट्स ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया पूरी करके प्रेजेंटेशन तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसमें पराशर झील मंडी और जोत चंबा शामिल है। पठानिया ने कहा कि ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो भी टीम बाहर जाती है उन खिलाड़ी एथलीट्स को भारत सरकार विदेश में भेजती है, इसलिए भारत सरकार को प्रपोजल भेजा गया है कि ऐसे एथलीट्स को विदेशों में नहीं हिमाचल भेजा जाए, क्योंकि हम यहां पर एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए एक अलग से विंग बनाया जा रहा है, जिसके लिए 2 लोग मंडी से हायर किए गए हैं जिन्हें 50 साल का अनुभव है। उन्होंने बताया कि शिमला में जायका के तहत इसके लिए कार्यालय खोला गया है। सौरभ बन बिहार का कार्य भी उन्होंने जल्द शुरू करने की बात कही। राकेश पठानिया ने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल के प्रपोजल साई और खेल विभाग को दिए गए हैं। अगले माह 18 करोड़ रुपए की एक्सीलेंसी सेंटर फॉर शूटिंग धर्मशाला में खुलेगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से किया जाएगा। धर्मशाला में ही बैडमिंटन के इंटरनेशनल एकेडमी के लिए भी प्रयास अंतिम चरण में चल रहे हैं, जिसके लिए साइना नेहवाल से MOU जल्द ही साइन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग के माध्यम से धर्मशाला के इंडोर आइस स्केटिंग का प्रपोजल भी भेजा गया है, जिसमें ऑटोमेटिक बर्फ बनाकर उस पर आइस स्केटिंग की जाएगी। धर्मशाला में आपके सामने हमने कोई 1,66,20,000 के जो शिलान्यास किए हैं, इनका उम्मीद है हम एक साल के अंदर इनका सारा कार्य कंप्लीट करके इनको समर्पित कर देंगे। इसमें लग्जरी टेंट्स हैं 3 नंबर, और इसमें एक टेंट जो हमें 15 लाख के करीब पड़ रहा है। फिर ट्री टॉप हट जो आप देख रहे हैं नक्शा यहाँ लगा हुआ है, ये कोई 14.5 लाख के करीब एक पड़ रहा है हमें। एक इसी में हम एक फॉरेस्ट हट जो है वो स्तोबरी में एक और बनाने जा रहे हैं, जिसका हमें 20 लाख रुपया एक पूरे सेट का लगेगा। और इसी के साथ एक हमारा कंस्ट्रक्शन ब्लॉक ऑफिस कम क्वार्टर कम रेजिडेंस गुड़करी में कांगड़ा में, जिसका भी हमने यहीं से आज शिलान्यास किया। ये वैसे हम 9 साइट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, पर 2 साइट्स जिनके ऊपर हमारा सारा सर्वे, हमारा कंटूरिंग, हमारा ऊपर से जो है ड्रोनिंग, सारा उसकी मैप्स तैयार होके जो प्रेजेंटेशन हमारी तैयार होके भारत सरकार को हमने भेज दी है, वो फिलहाल हमने पराशर झील मंडी में और जोत चंबा में 2 के ऊपर हमने जेरोक्स करके जो है इसको अभी फाइनल करके हमने भेजा है। हमने 7 साइट्स और आइडेंटिफाई किए। इस तरीके से हम पूरे प्रदेश का ये सर्वे जारी रख रहे हैं। इसी महीने के एंड तक या नवंबर के 15 तक हम ये सारी 9 के 9 साइट्स आइडेंटिफाई करके इनको हम इनके ऊपर काम जो है इको टूरिज्म का शुरू करने वाले हैं। मेरी आज दिल्ली में कुछ अधिकारियों से बात हुई है। मैंने एक टीम बनाई है फॉरेस्ट की और यूथ एंड स्पोर्ट्स की। हम बौद्ध रिणी के आसपास का एरिया जो 6,500 से ऊपर का है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भेज रहे हैं टीम्स को। इस साइड भी हम करेरी साइड भी टीम्स भेज रहे हैं, जहाँ पे हमें फॉरेस्ट की कम से कम 25-30 हेक्टेयर जगह मिल जाए तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बना के उसको हम इसी क्षेत्र के आसपास, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी बेस्ट हिमाचल प्रदेश में गगल की ही है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपका गगल का ही है। तो ये भी हमने एक प्रपोजल आज ही तैयार किया है, हमारी टीम्स परसों निकलेंगी। अगर हमें आइडेंटिफाइड करके अच्छा एक 25-30 हेक्टर का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हाई एल्टीट्यूड सेंटर जितने भी हमारे ओलंपिक्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए जो भी हमारी टीम्स बाहर जाती है, वो जहाँ भी हाई एल्टीट्यूड के इवेंट्स होते हैं उनको एक्रोमेटाइज करने के लिए हमारे भारत सरकार हमारे एथलीट्स को बहुत पैसे खर्च करके हम विदेश में भेजते हैं। हमने प्रपोजल भेजा है बना के भारत सरकार को कि आप बाहर मत भेजिएगा, उनको हिमाचल प्रदेश में भेजिएगा। तो हम एक वहाँ पे भी एक प्रपोजल बनाएंगे, हम उसमें पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम टेंटेड एकोमोडेशन के साथ ही एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहेंगे, जहाँ पे इसको बड़ा एक हाई एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहेंगे, जहाँ पे प्रदेश के अंदर ही युवाओं को, ताकि प्रदेश को रेवेन्यू भी मिले और प्रदेश को एक एक आइडेंटिफिकेशन मिले। बिल्कुल जी, हमने एक अपना जड़ी बूटी का अलग से विंग बना दिया है और हमने 2 प्राइवेट लोगों को मंडी से हायर किया है। उनको हमने उस जो लोग पिछले 50 साल से ज़्यादा का जिनको एक्सपीरियंस है जड़ी बूटी का, उसको हमने बना के एक पूरा विंग बना दिया है और शिमला में जायका के थ्रू हमने इसका जो है अभी कार्यालय खोल दिया है। वहाँ पे रिटायर्ड हमारे एक बड़े सीनियर CCF लेवल का ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं।
और इस पूरी टीम को हमने बना के धरातल तक उतार दिया है और इसके बारे में बड़ा एडवांस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं। सौरभ वन बिहार के बारे में मैं बता दूं, इसका काम भी हमने शुरू कर दिया जी, पालनपुर का ये विषय है वैसे तो, और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में उसको तैयार कर देंगे। देखिए हॉस्टल की प्रपोजल्स 2 है हमारे पास, एक साई से भी है और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी है। इसके बारे में भी जल्द निर्णय, 2 इवेंट्स हमने अभी नए आइडेंटिफाई धर्मशाला के लिए किए हैं। अगले महीने में एक 18 करोड़ रुपये का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शूटिंग वो धर्मशाला को दे रहा हूँ और उसका शिलान्यास हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वर्चुअली कराएंगे। मैं यहाँ पे और विधायक जी मौके पे प्रेजेंट रहेंगे और हमारी बात बैडमिंटन इंटरनेशनल फेम की जो सानिया महिवाल हैं उनके साथ हमारी फाइनल स्टेज पे बातचीत चल रही है। हमारा शायद MOU बहुत जल्द उनके साथ साइन हो जाए तो धर्मशाला में एक बैडमिंटन की इंटरनेशनल एकेडमी के लिए हम बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर हैं, उसको भी हम बहुत जल्द फाइनल करके उसका MOU साइन करेंगे ताकि धर्मशाला में एक इंटरनेशनल एकेडमी फॉर बैडमिंटन वो भी यहाँ पे आ जाए। एक प्रपोजल हमने धर्मशाला के लिए थ्रू अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट UD के थ्रू हमने भेजा है फॉर आइस स्केटिंग, इंडोर आइस स्केटिंग, जहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 महीने बर्फ हम खुद बना के उसमें आइस स्केटिंग करेंगे तो टूरिज्म के लिए एक डेस्टिनेशन और बहुत बढ़िया वो बन जाएगा। प्लस वो जो आइस इंडोर स्टेडियम है उसमें 4 इवेंट्स जो हैं वो ओलंपिक्स के हैं, विंटर गेम्स के हैं, तो ऐसे एक प्रपोजल हमने धर्मशाला के लिए वो भी तैयार किया।